और रविंदर जायसवाल जी भी दिख रहे हैं, भगवाधारी रविंदर जायसवाल जी, दूसरी बार वही विभाग आप पाए हैं, बहुत उम्मीद है बनारस की, काशी की जनता को। रविंदर जी बताइए क्या प्रेजेंटेशन होगा? जनता के विश्वासों पर पहले खड़ा उतरे थे माने सरकार योगी जी के, फिर उतरेगी, फिर माने फिर उतर रही है। अच्छा, फिर और पिछले 5 साल उतारा कि अब जनता के विश्वास में दोबारा फिर उतर रही है। अच्छा, उतर रही है ना? तो उसमें कैसे पंजीयन होगा? पंजीयन होगा, जनता को सुविधाएं बढ़ने जा रही है। 100 दिन में क्या विजन रखते हैं आप? ये तो बैठक में बताएंगे अभी ना, बैठक में नया कुछ नहीं। बहुत मंत्री जी कौन? मैंकेश्वर जी, आप बताइए। राजा साहब कुछ बताइए, प्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा ये बैठक के बाद? बैठक में क्या रूपरेखा होगा अभी नहीं बताएंगे राजा साहब। गोपनीयता की शपथ होती है। अच्छा अच्छा, गोपनीयता की शपथ है। देखिए शर्मा जी भी आ गए, संतोष, ये सतीश शर्मा जी, और दरियाबाद से, बाराबंकी से अरविंद सिंह गोप को हराने के बाद चेहरे पे जो चमक आपको दिखाई दे रही है, जो अपने विभागों का प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं, आप बताइए रूपरेखा क्या है? अभी जो माननीय मुख्यमंत्री का जी का जैसा निर्देश होगा अभी हम सब आपको अवगत कराएंगे, बाद में अवगत कराएंगे। क्या तैयारी है? तैयारी विभाग की पूरी है, अभी जो प्रेजेंटेशन होगा अवगत कराएंगे। थोड़ा बहुत तैयारी हमें अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। चलिए और भी मंत्री आ रहे हैं एक एक करके। नितिन अग्रवाल ही आबकारी विभाग है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं, और कोशिश हमारी रहेगी। और देखिए अधिकारियों का आना जाना भी चल रहा है एक एक करके, जो प्रमुख सचिव हैं और अपर मुख्य सचिव हैं, मोनिका गर्ग हैं, और भाई नितिन अग्रवाल जी हमें भी कुछ समय। देखिए जेपीएस राठौर जी भी आ रहे हैं, सहकारिता मंत्री हैं और पहली बार मंत्री बने हैं, बहुत उम्मीद है जनता को। संगठन में इन्होंने अव्वल काम किया है, अब सरकार में कैसा काम होगा? अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा। अच्छा, अभी 100 दिन का टारगेट दिया गया, 100 दिन में क्या क्या काम करना है अभी। चेहरे की चमक है जेपीएस राठौर साहब, मंत्री बनने के बाद, संगठन में काम करते वक्त तो मैंने बहुत देखा आपको, मंत्री बनने के बाद पहली बार देख रहा हूं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। जी महत्वपूर्ण बैठक है, सभी बैठकें महत्वपूर्ण होगी, और जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए उनको पूरा करेंगे, ऐसा प्रयास है। विजन में क्या करेंगे, सहकारिता में क्या करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे, क्या विजन है? देखिए सहकारिता में किस तरीके से करेंगे, जो मूल उद्देश्य है जन कल्याण की भावना है, किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, तो किसानों के लिए उसको सही समय पर खाद उपलब्ध हो जाए और बाकी कृषि यंत्रों के लिए जो उसको जरूरतें हैं वो सब उपलब्ध हो जाए, इसका प्रयास है। पूरी पूरी तैयारी है, संगठन में करते थे वैसे, संगठन में एक नंबर काम करते थे, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी तो चाहते थे सब। धन्यवाद धन्यवाद, आपके भी चाहते हैं बिल्कुल, कोशिश हम तभी तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश आपके भी चाहते हो जाएंगे, हमारे धन्यवाद का काम करेंगे, अच्छा काम जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और परिचय दे दो इनका। ये बीएचयू के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और आईआईटीएन हैं, ये नेता के वेश में आईआईटीएन है, तो सहकारिता में अपने टेक्निकल टेक्नोक्रेसी का जी।